अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एगलेस ऑरेंज केक की रेसिपी। इसमें ना तो हम अवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा केक है, जितना आसान है उतना ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेंगे हैवी बॉटम पॉट या फिर कुकर, सेंटर में रख दिया है कुकीज़ का ढक्कन। आप चाहें तो स्टील का प्लेट या फिर कोई भी स्टैंड रख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसमें हम नमक का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। इसे ढककर प्रीहीट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए। लेंगे दो ऑरेंज, तो ऑरेंज ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा, थोड़े मीठे साइड पे लीजिएगा। इसका जूस निकाल लेंगे, तो मैंने जूस एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो हाथ से दबाकर भी इसका जूस निकाल सकते हैं। साइड पे रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। लेंगे कोई भी केक मोल्ड जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे लोफ स्टाइल एल्युमिनियम कंटेनर लिया है ताकि टी टाइम केक का लुक आ जाए। इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे भी साइड पे रखेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में लिया है 1.5 कप मैदा, तो मैदा हमेशा बेकिंग में छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने छना हुआ मैदा लिया है। 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। विट इंग्रेडिएंट्स में लिया है 1 कप रूम टेम्परेचर पर दही, तो दही ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा। 1 कप डालेंगे पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी, 1/2 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहें तो ऑरेंज एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो मैंने 2 बैचेस में डाला है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। बैटर काफ़ी थिक है, तो इस जगह हम डालेंगे 1/2 कप ऑरेंज जूस जो हमने निकाला था, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ताकि ऑरेंज लुक आ जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे एक सेक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऑरेंज जेस्ट 1/2 टीस्पून। इसे केक का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, तो ऑरेंज पार्ट डालिएगा, वाइट पार्ट मत डालिएगा, नहीं तो केक कड़वा हो सकता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे मोल्ड में पोर कर देंगे। दो से तीन बार टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। पॉट हमारा प्रीहीट हो गया है। अब इसमें ध्यान से बैटर रख देंगे। इस टाइम बहुत गर्म होता है। अब इसे ढक देंगे अच्छे से ताकि इसका हीट ना निकले, या इसके ऊपर आप कोई भारी चीज़ भी रख सकते हैं। अब इसे बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम एक मज़ेदार सा ग्लेस तैयार कर लेते हैं। तो 3 टीस्पून डाला है पाउडर शुगर छानकर, आप चाहें तो आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून डालेंगे ऑरेंज जूस, 1/2 टीस्पून डाला है ऑरेंज जेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑरेंज ग्लेज हमारा रेडी है। तो लगभग 40 मिनट के बाद केक को चेक कर लेते हैं। तो केक बेक हो गया है। इसे चेक करने के लिए नाइफ इंसर्ट करेंगे, तो क्लीन है, इसका मतलब अच्छे से केक बेक हो गया है। केक को डिमोल्ड कर लिया है, इसके ऊपर से डाल देंगे ऑरेंज ग्लेज और मज़ेदार सा ऑरेंज केक तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा रेसिपी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़।